यहाँ पे हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल। तो सबसे पहले देखते हैं टू का, तो कोई भी नंबर जो है वो डिविजिबल होगा, नंबर इज डिविजिबल बाय टू जब एन डिजिट होगी, एन डिजिट ऑफ नंबर इज इवन और जीरो। इवन होगी या जीरो होगी, तो हम कोई भी नंबर ले लेते हैं एग्जाम्पल में 2, 3, 4, 6, यहाँ पे लास्ट में डिजिट है इवन, तो ये जो नंबर है वो टू से डिविजिबल है, सिर्फ लास्ट डिजिट देखेंगे। अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये नंबर, तो यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है वो है जीरो और ये जो है इवन है, तो ये नंबर जो है वो टू से डिविजिबल होगा। अब नेक्स्ट केस देखते हैं हम डिविजिबिलिटी बाय थ्री। कोई भी नंबर जो है वो थ्री से डिविजिबल तब होगा जब सम ऑफ द डिजिट्स होंगे, सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय थ्री। यहां पे मैं एग्जांपल लेती हूँ 4, 3, 2। अब ये जो भी डिजिट्स हैं इस नंबर में, हमारे पास नंबर है 432, अब इसमें डिजिट है 4, 3 और 2, इनका जब हम सम करेंगे 4 + 3 + 2 वो होगा 9, एंड ये 9 जो है इज डिविजिबल बाय 3, इज डिविजिबल बाय 3, क्योंकि 3 के टेबल में जो है वो 9 आएगा, यानी कि जो 9 है वो मल्टीपल है 3 का, तो इट मीन्स ये जो हमारा नंबर है 432 वो डिविजिबल होगा 3 से, क्योंकि जब हम 9 को डिवाइड करेंगे 3 से तो ये कम्प्लीटली जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो थी हमारी डिविजिबिलिटी बाय 3 थी। अब डिविजिबिलिटी बाय 4 देखते हैं। 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो इससे हम याद कर सकते हैं जो भी हमारे नंबर की लास्ट टू डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4। लास्ट की जो टू डिजिट होंगी नंबर की वो डिविजिबल होने चाहिए 4 से, तो हमारा नंबर जो है वो डिविजिबल होगा 4 से। यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये है 2, 3, 4, 8। अब ये लास्ट की जो दो डिजिट हैं वो डिविजिबल हैं 4 से, अगर हम 48 लिखें और 4 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, ये 1 और 2, तो मतलब हमारा नंबर जो है वो पूरा कैंसिल हो गया है 48। तो ये जो पूरा नंबर है हमारा 2, 3, 4, 8, यानी कि ये डिविजिबल है बाय 4। अब नेक्स्ट केस जो हम लेंगे वो है 5। अब कोई भी नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल तब होगा, नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ लास्ट और एंड डिजिट इज 0 और 5। जब लास्ट की डिजिट जो होगी वो 0 होगी और 5 होगी, तभी हमारा नंबर जो है वो डिविजिबल होगा 5 से। यहाँ पे जैसे मैं लिख सकती हूँ 2, 3, 5 एग्जाम्पल पे, तो ये जो है नंबर जो है ये डिविजिबल होगा 5 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लास्ट में क्या है 5, अगर 5 है तो मतलब ये नंबर हमारा डिविजिबल है 5 से। अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ 6 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, नंबर इज डिविजिबल बाय 6 ओनली व्हेन इट इज डिविजिबल बाय 2 और 3 से, दोनों से जब हमारा नंबर जो है डिविजिबल होगा तब हमारा जो नंबर है वो डिविजिबल होगा 6 से। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ, ये नंबर 2, 3, 4, 6। अब ये जो हमारा नंबर है वो 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि यहाँ पे इवन है लास्ट में डिजिट 6 है, जो कि 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब डिवाइड हो जाएगी, ठीक है।
और ये जो है हम इसका जब सम करेंगे सारे डिजिट का, तो 2 + 3 = 5, 5 और ये 10, 4 और 6 तो ऐड करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, तो 15 आएगा। 15 जो है वो 3 से जो है वो डिविजिबल होगा, जब हम कैंसिल करेंगे तो 5 आएगा। यानी कि ये जो नंबर है हमारा 3 और 5 दोनों से जो है वो डिविजिबल है, तो इट मीन्स हमारा ये जो नंबर है वो 6 से भी डिविजिबल होगा। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा 7। तो 7 में हम क्या करेंगे, ट्रिपलेट बनाएंगे, मेक ट्रिपलेट, पुट पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, पुट पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डिवाइडेड विद 7। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, 8, 1, 2, 3, 4, 8। अब यहाँ से जो है हम ट्रिपलेट बनाएंगे, तो ये हमारा एक ट्रिपलेट हो गया। अब यहाँ पे एक और डिजिट ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 8। यहाँ पे जो है हम पॉजिटिव साइन असाइन करेंगे और यहाँ पे नेगेटिव साइन, और ये 3, 4, 8 - 0, 1, 2, तो डिफरेंस आएगा 3, 3, 6 का। अब इसे जो है हम 7 से डिवाइड कर देंगे, तो ये जो है हमारा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो नंबर है इट मीन्स डिविजिबल है 7 से। अब जो है हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट है 8 का, तो हम 8 को ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो इससे हम रिमेम्बर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, कोई भी नंबर की जो लास्ट की 3 डिजिट होंगी अगर वो डिविजिबल होंगी 8 से, तो हमारा नंबर जो है वो डिविजिबल होगा 8 से। व्हेन द लास्ट 3 डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8। एग्जाम्पल में 2, 4, 7, 8, 6, 4। अब ये जो है लास्ट की 3 डिजिट देखेंगे हम, और ये 8 से जो है वो डिवाइड होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये जो नंबर है वो 8 से डिविजिबल होगा, तो इट मीन्स ये जो हमारा नंबर है वो 8 से जो है वो डिविजिबल होगा। यहाँ पे डिवाइड करके क्या आएगा, 108, जब हम इसे 8 से डिवाइड करेंगे तो। अब नेक्स्ट जो है 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स जो होती हैं ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल 9। सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9। देन होल नंबर इज डिविजिबल बाय 9। अब एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, 2, 4, 3, 2, 4, 3। अब हमने जब हमने ऐड करेंगे तो ये हो गया 9 और ये हो गया 9, तो ये हो गया 18। 18 जो है वो 9 से डिवाइड हो सकता है, तो इट मीन्स ये जो हमारा नंबर है वो डिविजिबल है 9 से। अगर हम चाहें तो बिना प्लस करे जो है हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि ये 4 हो गया और ये 7 हो गया, तो 4 और 3 = 7, 8, 9, तो ये एक मल्टीपल हो गया। अब दूसरा जो है वो 9 बन जाएगा, 4 और 7 + 2 = 9, तो ये 9 और 9। इस तरीके से हमारी जब डिजिट पूरी कैंसिल हो जाए, 9 और 9 का सम मतलब हो जाए, तो जो है हमारा नंबर जो है वो डिविजिबल होगा 9 से। 10 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, व्हेन द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज 0, जब
व्हेन लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज जीरो, तो इट इज डिविजिबल बाय 10. अब हम डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं 11 से. तो कोई भी नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल तब होगा जब उसका डिफरेंस जो होगा इवन, मतलब सम जो होगा डिजिट्स का इवन प्लेसेस पे, और उसमें से हम माइनस कर देंगे सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेसेस, तो जो वो डिफरेंस आएगा वो डिविजिबल होगा 11 से. तो इट मींस जो हमारा नंबर है वो डिविजिबल हो जाएगा 11 से. जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस. एग्जाम्पल में 9174, तो ये जो होगा यहाँ पे हम पॉजिटिव कर देंगे, ये पॉजिटिव कर देंगे साइन, और यहाँ पे नेगेटिव और नेगेटिव साइन असाइन कर देंगे. तो अब ये 9 + 7 - 1 + 4, तो इनका डिफरेंस जो आएगा पहले ये हो जाएगा 16 - 5 और ये हो जाएगा 11. अब ये जो 11 है डिफरेंस, इसको हम डिवाइड करेंगे 11 से, तो ये हमारा डिवाइड हो गया. इट मींस जो हमारा ये नंबर है 9174 इज डिविजिबल बाय 11. पहले हमें क्या करना है, पॉजिटिव साइन असाइन कर देना है वो ऑड प्लेसेस पे, और नेगेटिव साइन असाइन करना है. पॉजिटिव साइन असाइन करना है ऑड प्लेसेस पे और नेगेटिव साइन असाइन करना है इवन प्लेसेस पे. तो उनका हम डिफरेंस निकालेंगे और जो वो डिफरेंस है वो 11 से डिविजिबल होगा, तब हमारा नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल होगा. अब 12 में जो है नंबर इज डिविजिबल बाय, नंबर इज डिविजिबल बाय 3 and 4 बोथ. दोनों से जब हमारा नंबर डिविजिबल होगा तो हमारा नंबर जो है होगा ना वो 12 से डिविजिबल होगा. देन नंबर इज डिविजिबल बाय 12. अब यहाँ पे देखते हैं एक और 14 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है. व्हेन द नंबर, व्हेन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 7 बोथ, दोनों से नंबर डिविजिबल होगा, देन ओनली देन नंबर इज डिविजिबल बाय 14. बाद में हम इनके कुछ जो है वो एग्जाम्पल करेंगे. और 15 में क्या देखते हैं हम, व्हेन द नंबर इज थ्री एंड फाइव, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय, जब दोनों से 3 और 5 से हमारा जो डिविजिबल होगा नंबर, गिवन नंबर, तो जो हमारा नंबर होगा वो डिविजिबल होगा, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 15. सिक्सटीन का डिविजिबिलिटी रूल होता है, हम 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4. तो लास्ट 4 डिजिट जो होती हैं, लास्ट 4 डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 16, देन ओनली द नंबर इज डिविजिबल बाय, देन ओनली द नंबर इज डिविजिबल बाय 16. अगर हमारी लास्ट 4 डिजिट जो है वो डिविजिबल होंगी
16 से, तभी जो है हमारा नंबर डिविजिबल होगा 16 से। एटीन का डिविजिबिलिटी रूल होता है जब हमारा नंबर होगा, व्हेन द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 9, जब 2 और 9 से हमारा नंबर डिविजिबल होगा, देन ओनली द नंबर इज डिविजिबल बाय, देन ओनली द नंबर इज डिविजिबल बाय 18। तो ये थी हमारे कुछ डिविजिबिलिटी रूल। अब हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि हमारा कौन सा नंबर जो है वो नॉट डिविजिबल बाय 6 है, नॉट डिविजिबल बाय 6। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल जो होता है वो होता है हमारा नंबर जो है वो 2 और 3 दोनों से जो है वो डिविजिबल होना चाहिए। 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि नंबर जो है उसकी लास्ट डिजिट जो है वो इवन होनी चाहिए और जीरो होनी चाहिए, या तो इवन हो या फिर जीरो हो। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है जितने भी सम ऑफ द डिजिट्स होती हैं वो ऐड करके जो है अगर हम उसे डिवाइड करें 3 से तो वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस हैं 197232, नेक्स्ट है 972132 एंड सी 800552। तो ये हो गया 10 और 17, 17 और ये 20, 22, 24, ये 3 से जो डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 8 24, तो ये मतलब ये डिविजिबल है। अब नेक्स्ट डिजिट देखते हैं, ये हो गया 10, ये हो गया 19, 20, 22, 24, ये भी नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है, 24 जो है वो मल्टीपल है 3 का। अब ये जो है 8, 9, 10 और ये 20 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो इट मीन्स ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये जो नंबर है वो हमारा नॉट डिविजिबल बाय 6 है। तो आंसर हो गया हमारा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास जो है ये एक नंबर है 6 4 2 8 8 3, ये हमें बताना है ये नंबर जो है वो डिविजिबल है 9 से, इट इज डिविजिबल बाय 9। हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ ए, फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ ए क्या है। तो जब हमें पता है कि हमारा जो ये 9 से जो नंबर डिविजिबल तभी होगा जब इनका जो सम है वो मल्टीपल होगा 9 का, 9 से डिवाइड कर जाएगा। और इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं कि नंबर जो है वो 9 9 का पेयर बने, तो हम इसे इस तरीके से देखेंगे। ये है मेरे पास 8 और इसमें से अगर हम 1 ले लेंगे तो ये हो गया हमारे पास 9, ये 8 और इसमें से हम 1 ले लेंगे तो ये हो गया 9, तो दो पेयर बन गए 9 के, तो 9 9 ये कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 3 और ये 6 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9। अब मेरे पास जो है 9 का एक और पेयर बनाने के लिए जो है मेरे पास यहाँ पे होना चाहिए 5, क्योंकि यहाँ पे है 4 तो यहाँ पे होना चाहिए 5, तो वैल्यू ऑफ ए क्या हो जाएगी 5। तो इस तरीके से है जी हमारी वैल्यू आ गई 5 से, और ये जो हमारा नंबर है वो 9 का क्या हो जाएगा डिविजिबल है, ये हमें मतलब क्वेश्चन में दे रखा है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरे पास एक नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 y, ये जो नंबर है वो डिविजिबल है बाय 11, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये जो नंबर है वो डिविजिबल है 11 का। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, इवन और ऑड नंबर्स की जो डिजिट्स होती हैं उनका जो है वो सम जो है वो डिविजिबल होना चाहिए 11 से, तो या फिर 0 होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे देख लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और y, हो गया पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन असाइन कर लेंगे, नेगेटिव 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 नेगेटिव, 1 3 5 7 माइनस 2 4 6 और प्लस y, ये हो गया 10 और ये हो गया
16 - 12 + y 4 + y और ये जो नंबर है हमारा डिविजिबल है 11 से, तो मैं यहाँ पे y की वैल्यू क्या रखूँ कि मेरा जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल हो जाए। अगर मैं y की वैल्यू जो है वो 7 रख दूंगी तो ये हो जाएगा 11, और 11 जो है वो 11 से जो है वो डिविजिबल होगा, तो इट मीन्स जो वैल्यू होगी y की क्या होगी 7। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 22। हमें नंबर निकालना है कि नंबर जो है वो डिविजिबल हो 22 से, डिविजिबल बाय 22। तो इसके लिए मेरे पास जो है वो कुछ ऑप्शंस हैं, 8 9 3 002, बी 6 4 5 3 7 2, और सी 6 9 4 3 2 0। तो 22 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, नंबर जो है वो 2 और 11 दोनों से जो है वो जब डिविजिबल होगा तो 22 से डिविजिबल होगा, और 2 और 11 जो है ये हमारा को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका सिर्फ फैक्टर जो है सिर्फ 1 होगा और एक भी फैक्टर जो है वो कॉमन नहीं होगा, तो वो जो होते हैं वो को प्राइम नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे जो है ये हमारा नंबर जो है ये तीनों डिविजिबल होंगे 2 से। अब हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है कि 11 से डिविजिबल है या नहीं है, तो 11 से डिविजिबल होने के लिए हम सबसे पहले जो है इवन और ऑड जो डिजिट्स होंगी उनका सम देखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 8 3 0, ये पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहाँ पे माइनस साइन कर लेंगे, 9 + 0 + 2, ये हो जाए 11 माइनस, और ये हो जाएगा 11, तो हो गया हमारा 0। तो ये जो मतलब हमारा जब भी 11 से हम डिविजिबिलिटी जब टेस्ट करते हैं ना, तो या तो वो मल्टीपल होना चाहिए 11 का या फिर जो सम है वो आना चाहिए 0। तो इट मीन्स ये जो हमारा नंबर है वो 11 से डिविजिबल है, सॉरी 22 से डिविजिबल है, क्योंकि ये 11 से भी डिविजिबल है और ये 2 से भी डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट डिजिट जो है वो इवन है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है कि ये मेरे पास नंबर है 3C2933, ये जो है वो डिविजिबल है बाय बोथ, डिविजिबल है बाय बोथ 5 और 11, दोनों से डिविजिबल है। हमें फाइंड आउट करनी है सी प्लस के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जहां पे वेयर सी एंड के आर सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर है। तो ये जो मेरे पास नंबर है 3C2933K, ये नंबर अगर 5 से डिविजिबल तभी होगा कि जब लास्ट डिजिट 0 होगी या फिर 5 होगी। यहाँ पे हम दो वैल्यूज पुट कर सकते हैं, एक 0 और एक 5, बट हम 0 इस वैल्यू को जो है हम यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये के की वैल्यू क्या होगी 5। अब 11 के डिविजिबिलिटी रूल से जो है हम सी की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे हम पॉजिटिव नंबर असाइन कर देते हैं, पॉजिटिव साइन नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, तो यह 3 + 2 + 3 + k यानी कि मतलब 5। यहाँ पे सी प्लस 9 + 3, ये हो जाएगा 6 7 8 8 और 5 सॉरी, ये हो गया 8 9 10, और ये हो गया 13 13 - 12 सी माइ वो प्लस 12, यहाँ पे नेगेटिव आएगा सॉरी साइन, तो 13 में से 12 या 1 माइनस सी। अगर यहाँ पे जो है वैल्यू जो 0 आएगी तभी जो है हमारा नंबर जो है वो डिविजिबल होगा 11 से, क्योंकि 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो भी हमारा नंबर है उसके जो डिजिट्स का सम है वो जो है मतलब इवन और ऑड प्लेसेस का जो डिफरेंस आएगा वो जो डिविजिबल होगा 11 से, तभी हमारा नंबर जो है वो डिविजिबल होगा 11 से, या फिर जो है डिफरेंस जो आए वो 0 आए। तो यहाँ पे जो है 1 है मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे सी की वैल्यू जो है वो 1 प्लेस कर दूंगी तो मेरे पास जो है 0 आ जाएगा इनका डिफरेंस, तो हमारा नंबर जो है वो डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या होगी 1। अब इसी तरीके से हमें सी प्लस के की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, सी की वैल्यू हो गई 1 और के की वैल्यू हो गई 5, तो ये जो होगी वैल्यू होगी 6। यहाँ पे मेरे पास एक और क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास एक नंबर है 712x816, ये जो नंबर है वो डिविजिबल है बाय 12, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 12, तो हमें असाइन करनी है लीस्ट वैल्यू ऑफ x। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 12 को जो है हम इस तरीके से मतलब
नंबर्स जो मतलब फैक्टर्स हैं वो दे सकते हैं 1 × 12, 2 × 6 और 3 × 4. तो ये जो है हम नहीं लेते वन वाला. और इसमें जो है कॉमन फैक्टर्स जो है 2 है, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा और 1 भी होगा. तो इस तरीके से जो है हम इसे भी इंक्लूड नहीं करेंगे. अब ये जो है हमारे को प्राइम नंबर्स हैं, क्यों? क्योंकि इनकी जो एक कॉमन फैक्टर है सिर्फ वो है 1. तो ये हम जो है लेंगे. और नंबर जो है हमारा 12 से डिविजिबल तभी होगा जब 3 और 4 दोनों से होगा वो. तो हम देखते हैं ये वाला नंबर 7 1 2 x 8 1 6, ये जो है 4 से डिविजिबल. इसको हम लिख सकते हैं 2 और 2 की पावर 2. ठीक है, अब ये लास्ट से दो डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल है. 4 के टेबल में आता है 16, तो ये नंबर 4 से डिविजिबल है. अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? इन सबकी जो है डिजिट्स ऐड करते हैं हम, तो ये हो जाएगा 7 8 9 10 10 और ये 19 में 6 ऐड करेंगे हो जाएगा 25 25 प्लस x. तो हमें लीस्ट वैल्यू जो है वो x को असाइन करनी है. अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखूँ 0, तो ये 25 ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा. अगर मैं 1 करूँ तो 26 26 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा. अगर मैं वैल्यू असाइन करूँ 2, तो ये हो जाएगा 27 27 जो है वो 3 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. तो इट मीन्स जो हमारी x की वैल्यू आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, 2. अब ऐसी तरीके से मेरे पास जो है वो दूसरा क्वेश्चन है. हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 24. कौन सा नंबर जो है वो डिविजिबल है बाय 24. अगर हम 24 का डिविजिबिलिटी रूल देखें, जैसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 × 24, ये हम नहीं लेंगे. 2 × 12, ये भी हम नहीं लेंगे. 3 8 = 24 और 6 4 = 24, ये भी हम नहीं लेंगे क्योंकि इनके और भी फैक्टर्स होंगे. तो हम ये को प्राइम नंबर्स लेंगे 3 × 8. अब मेरे पास जो है वो ऑप्शन में क्या क्या है, 4 9 5 1 2 6 4 7 6 0 2 9 9 6 8 2 6 sorry D 5 2 6 6 8. हमें देखना है नंबर जो है वो 3 और 8 दोनों से डिविजिबल हो. 3 और 8, 2 की पावर 3, 8 को हम लिख सकते हैं. तो लास्ट के 3 डिजिट नंबर जो है वो हमें देखने हैं 8 से डिविजिबल है या नहीं. तो मैं सबसे पहले ये वाला नंबर लेती हूँ 5 1 2, लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है. 8 4 32, ये 64. तो ये जो है हमारे लास्ट के 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल है. अब 3 का देखते हैं, तो 3 का 4 9 5 1 2, ये हो जाएगा 10 15 16 17 और ये 17 में 4 ऐड करेंगे 21. तो ये जो है वो 3 से डिविजिबल है. तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट. ये 3 से भी डिविजिबल है और साथ में 8 से भी डिविजिबल है. तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है, ये जो हमारा नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 24, तो ऑप्शन में आएगा फर्स्ट. अब विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 36. डिविजिबल बाय 36, तो हम इस 36 को इस तरीके से लिख लेंगे 1 × 36, इसे हम नहीं लेंगे. और 2 18 3 1 और 2 36 और 6 6 36, तो ये भी हम नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे. हम को प्राइम नंबर्स लेंगे, ये हो जाएगा 4 और 9. तो हमारा नंबर जो है 36 से तभी डिविजिबल होगा जब वो 4 और 9 दोनों से डिविजिबल होगा. तो इसमें जो है अब हम देखते हैं 2 7 2 5 5 5 1 2 और 8 8 4 0, हमें 4 और 9 से देखना है. तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2. लास्ट दो डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए. ये जो नंबर है 9 6 2 7 2, अगर लास्ट की 72 देखें 4 से, ये जो है डिविजिबल है 4 से. अगर हम 9 से डिविजिबिलिटी चेक करें, तो ये हो गया 9 से कैंसिल और ये 7 8 9, ये हो गया 6 7 8, नहीं ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा.
दूसरा देखते हैं 5 5 5 1 2। द लास्ट ये 12 डिजिट जो है वो 4 के लेवल में आती है। हाँ तो ये मतलब 4 से डिविजिबल है। अब ये 3 से डिविजिबल है या नहीं? 10 15 16 17 18 18। 9 के लेवल में 18 आते हैं। हाँ तो मतलब ये 9 से डिविजिबल है, तो हमारा ऑप्शन हो गया बी। इसको चाहे तो हम ऐसे भी कर सकते थे बिना ऐड करे। ये हो गया 10, तो इसमें से हम माइनस 1 कर देंगे तो 1 बचा, ये हो गया 6 7 8 9। तो मतलब हमारा नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल है। तो ये जो हमारा नंबर है ये डिविजिबल नहीं था 9 से, और ये जो नंबर है ये 9 और 4 दोनों से डिविजिबल है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमें वैल्यू ऑफ ए देखनी है, वैल्यू ऑफ ए, सो दैट द 7 डिजिट नंबर 4 6 4 5 A 5 2 इज डिविजिबल बाय 72। 72 से हमारा नंबर जो है ये डिविजिबल हो, डिविजिबल है, हमें वैल्यू ऑफ 9 निकालनी है, तो 72 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा? अगर इस तरीके से देखेंगे 2 3 6 36, सिक्स 12 और ये 8 और 9 इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हम कैंसिल कर देंगे, ये भी कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा सॉरी 24, ये भी कैंसिल कर देंगे, इनके कॉमन और फैक्टर्स होंगे ये भी, तो हमारे पास आएगा 8 और 9, ये हमारा कोप्राइम नंबर्स का पेयर हुआ। वैल्यू ऑफ ए निकालनी है 4 6 4 5 A 5 2, नंबर डिविजिबल होना चाहिए 8 और 9 दोनों से। 8 से 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, लास्ट से जो 3 डिजिट हैं वो डिविजिबल हो 8 से। पहले हम 9 देखते हैं, 4 6 4 5 A 5 2, ये हो गया 4 और ये 5, ये हो गया 9, 5 और 4 ये हो गया 9, ये हो जाएगा 6 7 8। यहाँ पे अगर A की वैल्यू 1 हो तो ये जो है नंबर डिविजिबल हो जाएगा 9 से। तो इस तरीके से हमारी A की वैल्यू क्या आ गई? 1। अब 1 5 2 जो है वो किससे? 8 से डिविजिबल होगा, हाँ ये होगा। तो ये जो हमारा नंबर है वो 9 और 8 से दोनों से डिविजिबल है, ये 72 से भी डिविजिबल होगा जब अगर वैल्यू होगी A की वैल्यू होगी 1। अब नेक्स्ट मेरे पास है एक 7 डिजिट नंबर 4 8 9 Y 5 Z 6, ये जो नंबर है वो डिविजिबल है बाय 72, ठीक है। तो हमें बताना है कि हाईएस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ Y एंड Z, हाईएस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ वाई एंड जेड। अगर ये मेरा नंबर जो है वो 72 से डिविजिबल है, इट मींस ये हमारा नंबर जो है वो 8 और 9 दोनों से डिविजिबल होगा, ठीक है ना, 8 और 9 दोनों से डिविजिबल होगा। तो अगर मैं 8 की डिविजिबिलिटी टेस्ट की बात करूं तो जेड वो 5 Z 6 जो है, यानी कि लास्ट की 3 डिजिट जो है वो 8 से जो है वो डिवाइड कर लेनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं हाईएस्ट वैल्यू जेड को 9 असाइन करूं तो हमारा नंबर हो जाएगा 5 9 6, ये जो है 8 से डिविजिबल होगा, 8 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर मैं असाइन करूं 8 जेड की वैल्यू और ये 8 से डिवाइड करूं तो ये भी नहीं होगा डिविजिबल। अगर मैं जेड की वैल्यू जो है वो 7 असाइन करती हूं
तो ये हमारा नंबर जो है वो डिविजिबल होगा 8 से। ये हमारा नंबर जो है वो डिविजिबल होगा, तो यानी वैल्यू जो है वो z की क्या आएगी, 7। ठीक है, अब हमें वैल्यू जो है वो निकालनी है y की। 8 से हो गया, 9 से देखते हैं, ये 4, 8, 9, y, 5, 7, 6। ये 9 से अब ये डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो इन सबको जो है वो मैं ऐड कर दूंगी। ये हो जाएगा 17, और ये हो जाएगा 21। वेट, अब नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है, इफ 5 डिजिट नंबर 3, 8, 9, x, 6, 3, 7, 8, y, ये 9 डिजिट नंबर है जो कि डिविजिबल है 72 से डिविजिबल है, इट मीन्स ये हमारा 8 और 9 दोनों से डिविजिबल होगा। तो हमें ये फाइंड आउट करनी है द वैल्यू ऑफ 6x + 7y। ठीक है, ये हमारा जो नंबर है ये 72 से डिविजिबल है। 8 से डिविजिबल तभी होगा जब ये लास्ट की 3 डिजिट जो हैं वो 8 से डिविजिबल होंगी। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दूँ 0 वाई की, तो 7, 8, 0, ये 8 से डिविजिबल होगा, 8 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं y की वैल्यू जो है वो असाइन कर दूँ 1, तो 7, 8, 1, 8 से डिविजिबल होगा ये, 8, 9, 72, और ये 72 और ये 6, ये नहीं होगा। अब मैं y की वैल्यू असाइन कर देती हूँ 2, तो 7, 8, 2 जो है वो 8 से डिविजिबल होगा, 8, 9, 72, और ये 6, ये नहीं होगा। अगर मैं y की वैल्यू असाइन करूँ 4 कर देती हूँ, तो ये 8 से डिविजिबल होगा, 8, 9, 72, और ये हो जाएगा 6, तो 8, 8, 64, हाँ तो ये जो है वो डिविजिबल होगा। तो हमारी जो y की वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए, y की वैल्यू होनी चाहिए 4, यानी कि हमारा लास्ट डिजिट का नंबर क्या बन गया ये 7, 8, 4, जो कि 8 से जो है वो डिविजिबल होगा। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 4। अब हमारा नंबर क्या बन गया, 3, 8, 9, x, 6, 3, 7, 8, और ये हो गया 4। ठीक है, अब ये जो है 9 से डिविजिबल देखना है हमें, कब हो गया ये, इधर मैं ये 9 कट कर दूँ, साथ में ये जो है 6 और ये 9 बन जाएगा, और इन्हें जो है मैं ये हो गया। अब नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है, ये एक 9 डिजिट नंबर है 3, 8, 9, x, 6, 3, 7, 8, 9, ये जो है y सॉरी डिविजिबल है 72 से, यानी कि वो 8 और 9 दोनों से डिविजिबल होगा। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है द वैल्यू ऑफ 6x + 7y क्या है। लास्ट की डिजिट देखते हैं 3 डिजिट, ये जो है अगर 8 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है ये। ठीक है, तो हम यहाँ पे y की वैल्यू असाइन करते हैं, जब मैं 0 असाइन कर दूंगी 7, 8, 0 जो कि है वो 8 से डिवाइड नहीं होगा। अगर y की वैल्यू जो है मैं 2 असाइन करूंगी, तो ये नंबर जाएगा 7, 8, 1, ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं y की वैल्यू जो है असाइन करती हूँ 3, 7, 8, 3 हो जाएगा, और ये 8 से 9 तो अभी ये डिविजिबल नहीं होगा। अगर मैं असाइन करती हूँ 4, तो ये हो जाएगा, ये हो गया डिविजिबल, तो y की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, 4। ठीक है, अब ये नंबर जो है वो डिविजिबल है 9 से, तो ये हमारा नंबर हो गया ये 9 से, ये नंबर डिविजिबल है, तो मैं ये 9 यहाँ से ये कट करूंगी, ये ये 9 कट हो गया, ये एक और 9 फॉर्म हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल कर देंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया 8, इसमें से एक वैल्यू कट कर दी, तो ये बचा यहाँ पे 2, इसमें से मैंने एक और ले लिया, तो ये 9 फॉर्म हो गया, 1 बचा। ठीक है, तो ये x + 1 + 7 + 1 वो 4 हो गया, 5 में तो ये हो गया x + 12। ठीक है, अब x की मैं वैल्यू क्या रखूँ जो ये मल्टीपल हो जाए 9 का, अगर मैं x की वैल्यू जो है वो 6 रखती हूँ, तो ये हो जाएगा 18 जो कि 9 का मल्टीपल होगा। ठीक है, अगर मैं कोई और वैल्यू x की रखूंगी वो मल्टीपल नहीं फॉर्म करेगा 9 का, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 6, और y की वैल्यू क्या निकल के आई, 4। तो हमारे पास हमें क्या फाइंड आउट करना था, 6x + 7y, तो 6 × 6 + 7 × 4 या 36 + 28, ये हो गया 14, ये हो जाएगा 64।